अरे मेरे भाई, एक जीवन मिला है। जीवन में ध्यान रखना, ये जो 18 से और 25, 27, 28 साल की जो उम्र है ना, ये जीवन की नींव है। सही रास्तों पे चल के या तो इस मकान की बुलंदी जो है वो इस नींव से होनी, इस नींव को इतना बुलंद बना लो कि जीवन में कोई दिक्कत हो नहीं। गलत चीज का रास्ता, गलत निगाहों से चलना, कब तक बचोगे? आप मुझे एक आदमी बताओ जिसने गलत हरकतें की हो, जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया हो या बहुत बड़ा, और उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीता हो, उसका बच्चे बहुत अच्छे निकले हो, उसका जीवन बहुत सुख में निकला हो। नहीं रे, नहीं बाबा, नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप गलत महसूस कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, बल्कि वो गीता, भगवत गीता का सार कहा कि तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जैसा आप काम करेंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, भाग्य वैसा ही लिखा जाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आज रिजल्ट ना आए, घबराओ मत, ऊपर वाला बैठा है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपकी मेहनत आज, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन कल मिलेगा। हां, गलत तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं गलत तरीके से, हो सकता है आज खुशी मिले, हो सकता है आज बड़ा अच्छा फील हो, लेकिन दो दिन बाद रोना पड़ेगा। यही बात मेरे बच्चे गलत सलाह की है। अगर मैं आपको यहां आके गलत चीजें सिखाऊं, मैं आपको यहां पे चोरी करने के मोटिवेट करूं, मैं आपको डाका डालने के लिए मोटिवेट करूं, तो हो सकता है कि 500 बच्चा, 5000 बच्चा मुझे लाइक करे कि वाह सर ने क्या बात बताई है, कि चोरी करो, ऐसे उड़ाओ और हम तुम्हारा केस लड़ लेंगे। हो सकता है खुशी मिले, लेकिन एक ना एक दिन तो रोओगे। आज नहीं, कल रो।